हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन में पिछले लेक्चर में हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर का जिक्र किया था। उस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उस टॉपिक का नाम है बॉयंसी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात तो कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन हम लोग अराइज करते हैं, जिन क्वेश्चन का आंसर इस कॉन्सेप्ट को सीखने में है। ठीक है, आप में से कई लोगों को स्विमिंग आती होगी। जब हम लोग स्विम करते हैं बच्चों, तब हमारी बॉडी जो है वो लाइट फील करती है, देन एज कंपेयर टू जब हम नॉर्मली अर्थ पर खड़े होते हैं। ठीक है, ग्राउंड पर जब आप खड़े हैं, तब आपको अपना जितना वेट, जितना वजन महसूस होता है, स्विम करते वक्त आपको आपका वजन कम महसूस होता है। आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे। या फिर अगर सपोज करें कि एक बकेट है और एक बकेट में अगर आप पानी भर देते हैं और उसके बाद एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास को पानी के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, फिर अपने हाथ से उस ग्लास को पानी के अंदर पकड़ कर रखिए। बच्चों आप देखें कि जब वो ग्लास पानी के अंदर होता है, बकेट में जो पानी है उसके अंदर होता है, तब उस ग्लास का जो जो वेट है वो आपको बहुत कम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उस ग्लास को, जिसमें पानी भर चुका है, उसको बकेट के अंदर से बाहर लाते हैं, आपको उसका वजन ज्यादा फील होना शुरू हो जाता है। तो आखिरकार पानी के अंदर जब वो था, तब उसका वजन कम क्यों महसूस हो रहा था। ठीक है बच्चों, या फिर जो एक निडल को अगर आप वाटर के सरफेस के ऊपर रखते हैं, तब वो सिंक कर जाता है। लेकिन जब आप एक शिप को वाटर के सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं, तब वो सिंक नहीं करता बल्कि फ्लोट करता है। आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इसको हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दो चीजें हैं उसमें से पहली चीज है फ्लूइड, एक है बॉयंट फोर्स। फ्लूइड क्या होता है बच्चों, आपको इस चीज को समझना है। कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सके, क्या होता है फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लिक्विड भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है और गैस भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, इसीलिए लिक्विड्स और गैसेस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, जो बॉयंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को अपने घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंट में है कि आपको एक बकेट लेना है, ठीक है, और उस बकेट में आप लोगों को पानी भर देना है। ठीक है बच्चों, एक बकेट लिया और बकेट में आप लोगों को क्या करना है, पानी भर देना है इस तरीके से। और उसके बाद एक प्लास्टिक की बोतल लीजिएगा और उस प्लास्टिक की बोतल को आप पूरे तरीके से, मतलब कंप्लीटली उसे एम्प्टी कर दीजिएगा। एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल आप लोगों को लेना है और उसके कैप को ना जितनी टाइटली से आप बंद कर सकते हो, उतनी टाइटली से आपको बंद कर देना है। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, आपने एक एम्प्टी बोतल लिया, उसके कैप को बंद कर दिया, तब उस बोतल के अंदर क्या है, सिर्फ हवा है। ठीक है, और कोई चीज प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद उस एम्प्टी बॉटल को आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है बच्चों, इस एम्प्टी बॉटल को इस तरीके से रखना है और ऊपर से अपने हाथ से इसे धक्का देकर और पानी के अंदर भेजना है आपको। क्लियर है बात, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक्टिविटी है ये। इस एक्टिविटी में आपको एक बकेट लेना है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक एम्प्टी बॉटल लेना है जिसके कैप को आपने बहुत टाइटली बंद कर रखा है। फिर इस एम्प्टी बॉटल को इस वाटर के सरफेस के ऊपर ऐसे खड़ा कर दीजिए और फिर अपने हाथ से नीचे की तरफ फोर्स लगाकर इस बॉटल को पानी के अंदर भेजना है। आप क्या नोटिस करेंगे बच्चों कि जब आप शुरुआत में इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, शुरुआत में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे ये बॉटल अंदर की तरफ जाता है, वैसे वैसे आपको फोर्स ज्यादा
और ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती है, और आपको इस बॉटल के ऊपर फोर्स तब तक लगाने की जरूरत है जब तक कि ये बॉटल पूरा का पूरा इस पानी के अंदर नहीं चला जाता, डूब नहीं जाता है। उसके बाद आपको कुछ खास फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आप बॉटल को नीचे की तरफ भेजने की कोशिश करते हो ना, एक्चुअली में क्या है कि अभी तो यहां पर पानी प्रेजेंट है ना, इस बॉटल को नीचे भेजिएगा तो बॉटल जो है वो इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, ये एरिया, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है, वॉटर। वॉटर ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर आपको इस बॉटल को नीचे की तरफ भेजना है तो यहां पर जो वॉटर प्रेजेंट है, इस वॉटर को आपको हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप यहां से पानी को किसी तरीके से हटा देते हैं तब वो स्पेस एम्प्टी हो जाएगा और फिर आप इस बॉटल को इस स्पेस में लाकर रख सकते हैं, ये बॉटल उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। क्लियर है बात? तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है, अभी फिलहाल तो यहां पर वॉटर ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आप बॉटल से वॉटर के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। बॉटल से किधर फोर्स लगाते हैं बच्चों, नीचे की तरफ। किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वॉटर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ताकि वो वॉटर अपनी जगह से हट जाए और उस स्पेस को ये बॉटल ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर बॉटल से आप वॉटर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो यहां पर जो वॉटर प्रेजेंट है ये बॉटल के ऊपर ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट। तो जब आप इस बॉटल को वॉटर के अंदर भेजते हैं उस वक्त जो वॉटर है वो बॉटल के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स जो कि वॉटर ने बॉटल के ऊपर ऊपर की तरफ लगाया है उस फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं या फिर अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो अपवर्ड फोर्स, ये वॉटर क्या है, एक फ्लूइड है ना, तो मैंने लिखा है अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन सॉलिड, एक ऊपर की दिशा में फोर्स जो कि एक सॉलिड के ऊपर एक फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है। When solid is immersed in fluid, जब हम सॉलिड को फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तब जो फ्लूइड उस सॉलिड के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपने किया क्या है, आपने इस बॉटल को पकड़ा नीचे की तरफ भेजने के लिए, बॉटल से पानी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाया, इसीलिए वॉटर ने पलट कर बॉटल के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है। ये फोर्स जो वॉटर की वजह से बॉटल के ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है इस फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। खैर, आप अपने हाथ से फोर्स को बढ़ाकर और धीरे धीरे इस बॉटल को आप अंदर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये काम आपको फोर्स तब तक लगाने की जरूरत पड़ती है जब तक कि ये बॉटल जो पूरे तरीके से पानी के अंदर ना चला जाए। अब जब इस तरीके का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी बच्चों, ये वॉटर है, और ये आपने इस बॉटल को इस तरीके से पूरा अंदर की तरफ भेज दिया आपने, ठीक है। ये जो वॉटर था इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, राइट बच्चों, क्लियर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने एक बकेट लिया है, बकेट में वॉटर को भरकर और इस बॉटल को अंदर की तरफ भेजते हैं। ऐसा करने के लिए हम बॉटल से वॉटर पर नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण वॉटर पलट कर उतना ही फोर्स बॉटल पर ऊपर की तरफ लगाता है। इसी फोर्स को हमने अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहा है। और बच्चों, ये फोर्स आपको बॉटल से वॉटर पर तब तक लगाने की जरूरत पड़ेगी जब तक कि बॉटल अंदर उस स्पेस को ऑक्यूपाई ना कर ले। अब उसके बाद अगर आप इस बॉटल को इसके खुद के हाल पे छोड़ देते, ध्यान सुनिएगा,
अब इसके बाद अगर आप इस बॉटल को इसके खुद के हाल पे छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि ये एम्प्टी बॉटल जो है वो वापस से जंप करके और वाटर के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, मन में सवाल उठता है कि भाई बॉटल को अंदर भेज दिया, आप बॉटल को अंदर ही रहना चाहिए था, ये आखिरकार ऊपर की तरफ क्यों उठकर आ गया? क्योंकि याद करिए कि इसी बॉटल को अगर आप एयर में रखकर छोड़ते हैं उसके हाल पे तो वो नीचे की तरफ गिरता है। क्यों नीचे की तरफ गिरता है? क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बॉटल को जब इसके खुद के हाल में पानी के अंदर छोड़ा गया तब ये नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ आ जाता है। तो क्या इसके ऊपर इस वक्त कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? तो इसका जवाब ये कि नहीं, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है भाई? जितना हवा में जब आपने रखा था इस बॉटल को तब जितना फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, पानी में रखने पर भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। चलिए मान लेते हैं कि उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं मूव कर रहा, ऊपर क्यों मूव कर रहा है? तो याद करिए एक कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा था, अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट। आपने कहा था कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास का मान लेते हैं और इसके ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तब ये फोर्स हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं हुए, अनइक्वल हुए, तब इस फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर राइट साइड में अगर F2 फोर्स ग्रेटर देन F1 फोर्स हुआ तब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स है F2 फोर्स उधर मूव करेगा, और अगर F1 फोर्स ग्रेटर देन F2 फोर्स हुआ तब ऑब्जेक्ट F1 की तरफ जो बड़ा फोर्स है उस तरफ मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए जब इस बॉटल को आप पानी के अंदर इमर्स कर रहे हैं तब इस पर यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। हवा पर जब आपने इसको खुद के हाल पे छोड़ा तब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पानी में रख रहे हैं और इसको इसके खुद के हाल पे छोड़ देते हैं तब इस पर दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ mg फोर्स, इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है m into g, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, और इस पर चूंकि फोर्स लगाकर एयर को वाटर को डिस्प्लेस करके यहां पर आया है इसलिए बाकी जो वाटर पार्टिकल्स इधर हैं ये इस पर ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगाते हैं। इसको मैं FB सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इस बॉटल के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों? एक नीचे की तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स और एक ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स। ये बॉटल देखिए ऊपर क्यों आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इस पर दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे यहां दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टली, यहां पर दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकली, ठीक है। अब होता क्या है कि एम्प्टी बॉटल पर जो बॉयंट फोर्स है ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों? यहां पर जो बॉयंट फोर्स है FB वो ग्रेटर होता है देन एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ वो कम होता है, और ये जो वाटर की वजह से ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लग रहा है ये ज्यादा होता है। तो ये दोनों फोर्सेस चूंकि बराबर नहीं है इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमारा है उसमें हमने सीखा है कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इस एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल के ऊपर ऊपर की तरफ जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है और नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कम है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा बॉयंट फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव करता है और मूव करके फिर ये वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है। यहां तक बात आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है इस फ्लूइड की वजह से इस सॉलिड के ऊपर, इसको हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे
कि जरूरी नहीं कि हर चीज जिसे हम पानी में डालें या फ्लूइड में डालें वो ऊपर ही आ जाए। कुछ चीजें डूब जाती हैं, कुछ चीजें तैरने लगती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे बच्चों। लेकिन उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा, डेंसिटी। तो वो अगले लेक्चर में पहले उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वहां पर उस चीज को पढ़ेंगे, राइट। चलिए पहले फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, आई होप वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया है। तो देखिए, अब जो हमने शुरुआत में जो क्वेश्चंस किए थे आपसे, जो सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब आई होप अब आप समझ पाएंगे कि स्विमिंग करते वक्त आपको हल्का क्यों महसूस होता, आपकी बॉडी लाइट क्यों फील करती है। क्योंकि एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स भी लगता है। तो वो जो बॉयंट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को कम कर देता है, आपके ऊपर नेट फोर्स कम हो जाता है ना, इसलिए आपका वजन जो है वो आपको कम महसूस होता है। या फिर जब आप एक ग्लास को पानी के अंदर रखते हैं तो वहां पर उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लग रहा था। तो बॉयंट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को कुछ हद तक कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए आपको वो ग्लास जो पानी के अंदर उसका वजन नेट फोर्स जो कि उस पर कम है, तो इसलिए उसका वजन कम महसूस होता है। जैसे आप उसको बाहर लेकर आते हैं, अब क्या होता है, अब उस पर बॉयंट फोर्स नहीं लग रहा है, पानी के बाहर आ गए तो कहेगा बॉयंट फोर्स, तो अब उस पर सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए आपको वो भारी महसूस होता है। क्लियर है बच्चों, ये बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये अगले लेक्चर में हम लोग बॉयंट फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन डेंसिटी से रिलेट करके, ठीक है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर भी बॉयंट फोर्स को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो अभी जो आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इस बॉयंट फोर्स पे, बॉयंसी पे रिलेटेड होंगे, इसीलिए आज का जो लेक्चर आपके लिए है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। एक बार में अगर लेक्चर में थोड़े से भी डाउट रहते हैं तो दोबारा आप इस लेक्चर को देख लीजिए, लेकिन इस लेक्चर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। जब तक समझ नहीं आया तब तक इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।